नमस्ते बच्चों, आज की कहानी है संख्याओं का मेला। अक्सर आप लोगों को मम्मी पापा टीचर कहते रहते होंगे, टेबल से याद करो, टेबल से याद करो। क्यों करो, लेकिन करो क्यों टेबल से याद? चलो पढ़ते हैं ये कहानी और समझते हैं टेबल्स हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हमारी मदद करते हैं। लीलू चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मेला देखने गई। कुल मिलाकर 36 छात्र। सर बोले, जिस किसी को छोटी रेलगाड़ी में घूमना हो वह अपना हाथ उठाए। सभी एक साथ चिल्लाए, मैं सर मैं। इससे पहले कि 36 के 36 छात्र उसमें बैठ पाते, छोटी रेलगाड़ी में बैठने की जगह ही नहीं बची। फिर गाड़ी ने जोर की सीटी मारी और चल पड़ी। चौथी कक्षा के बचे हुए विद्यार्थियों को अगले चक्कर का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद बारी थी बड़े से पहिए जैसे गोल घूमने वाले झूले की सवारी की। झूले में कई डिब्बे थे और हरेक डिब्बे में दो लोगों के बैठने की जगह। लीलू ने देखा कि एक टिकट दो लोगों के लिए है। इससे पहले कि सर बच्चों की गिनती शुरू करते, लीलू ने झटपट अपनी कक्षा के बच्चों को दो दो की जोड़ियों में बांट दिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36। टिकट वाले ने पूछा, कितने टिकट हैं आपके? 18, लीलू ने जवाब दिया। यहाँ पे लीलू ने 2 के टेबल का इस्तेमाल करा। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके गिनती करी और जल्दी से उसे जवाब मिल गया। चक्कर वाले झूले पर हर एक घोड़े पर 3-3 लोग बैठ सकते हैं। बिट्टू कक्षा के दूसरे बच्चों को जताना चाहता है कि वह कितना अक्लमंद है, इसलिए उसने 3 के गुणकों में गिनती शुरू की। 3, 6, 9, 36। सर ने पूछा, हमें कितने घोड़े चाहिए? 12, बिट्टू ने सिर उठाकर जवाब दागा। यहाँ पर बिट्टू ने 3 के टेबल का इस्तेमाल करा, 3, 6, 9 करके, और जल्दी से उसे जवाब मिल गया 12 का। 12, 3, 36। फिर दिन ढलने को आया, सब थक चुके थे। सर का सारा ध्यान इस बात में लगा था कि सभी 36 के 36, 36 के 36 बच्चे बस में वापस लौट आए। इस बार दीदू गिनती करना चाहती थी। उसने देखा कि बस में हर कतार में 4 सीटें हैं, 4-4 की सीटों की लाइंस थी। इसलिए उसने ऊंची आवाज में 4 के गुणांकों में गिनना शुरू किया, यानी 4 के टेबल का इस्तेमाल करा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 की गिनती तक आते आते वह ठहर गई। सर लगता है दो बच्चे अभी तक बस में नहीं लौटे हैं, उसने हाँफते हुए कहा। बस के ड्राइवर दीदू और सर ने सोते हुए बच्चों की फिर से गिनती की। कौन छूट गया होगा? यहाँ पे 4 के टेबल का इस्तेमाल करा गया है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ओ आओ देखो ना, यहाँ एक बच्चा है, बस के पीछे के हिस्से से ड्राइवर ने कहा। आखिरी वाली एक सीट पर मोंटू मिला, गहरी नींद में सोया पड़ा, खर्राटे ले रहा था। लेकिन उसे मिलाकर भी 35 बच्चे ही हुए थे, 35 बच्चे। जैसे ही सर छूटे हुए बच्चे को खोजने निकले, दीदू ने पुकारा, सर वापस आ जाइए, बच्ची मिल गई। कौन शरारती बच्ची है वह? सर ने नाराजगी के साथ पूछा। दीदू ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सर मैं खुद को गिनना भूल गई थी। अंकों का फेर। 2, 3 या 4 के गुणकों में गिनती करने के लिए तुम्हें मेले में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हर ओर एक से ज्यादा के समूहों में गिनती करने की संभावनाएं मौजूद रहती हैं। जैसे क्लास में मौजूद बच्चों के पैरों की गिनती 2-2 गुणकों में कर सकते हैं। इसका मतलब है 2, 3, 4 के टेबल या किसी भी टेबल को रिवाइज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास चीजें ग्रुप्स में हैं, उन्हें गिनने के लिए हम टेबल्स यूज कर सकते हैं।
तो इसलिए अगली बार टेबल याद करने से जीना चुराना अच्छे से याद कर लो, हमेशा काम आएंगे। कैसी लगी आपको कहानी? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।